निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश की संभावना है। वहीं इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पिथौरागढ़ है या नैनीताल है, चंपावत है और यहाँ देहरादून है, तो इनमें तो हैवी रखी गई है। जहाँ तक बागेश्वर की बात है तो उसमें कल भी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी तक मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में दिखी रही है आज और कल को जाए। जब आप उससे आगे जा रहे हैं 8 या 9 तारीख में तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है और लाइट से मॉडरेट रेन आप कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में वो मिलेंगी, लेकिन हाँ हैवी रेन की संभावनाएँ कम है, एक आध स्टेशन कोई मिल सकता है, अदरवाइज जो हैवी रेन्स की उतनी संभावना नहीं दिख रही है। साथ में आप देखेंगे कि जो आज और कल अगर मैं बात करूं, जो इंटेंस या वेरी इंटेंस स्पेल है कि विद इन आवर जो है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक की रेंज जो है, जो खासकर जिनमें वेरी हैवी तक दी गई रेंज जो है, तो वहाँ पर संभावना कि इस तरह की स्पेल्स भी मिलेगी कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस